उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ सदर शाकिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक्चुअली मेरे बेटे की बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना केक बनाया जाए। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 eggs, अब मैं इनको बीट करूँगी। को हमने बीट कर लिया है, अब हम इसमें 1 cup शुगर ऐड करेंगे। पाउडर शुगर मैंने लिए है, यहाँ पे 1 cup ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब हम इसमें 1/2 cup ऑयल का ऐड करेंगे। अब इसको बीट करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे हम। हाफ कप हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और अब इसको बीट करेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिया 1 cup मैदा और 1/2 cup मैंने कोको पाउडर लिया। यहाँ पे अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स को डालने लगे हैं, हम थोड़ा सा शाम डालेंगे। स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon में लिए सोडा। अब हम इन इंग्रीडियंट्स को छान लेंगे ताकि कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे। अब इनको हम साइड पे डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में हम इसमें 1 teaspoon से तेल ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको बाउल में डालेंगे और बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे। यहाँ पे हमने पैन लिया है, इसमें हम ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हम ऊपर मैदा स्प्रेड करेंगे उसको। हमने इसमें ऑयल लगा दिया, कार्बन पेपर भी लगा दिया है, मैदा भी स्प्रेड कर दिया ऊपर इसके, और अब हम इसमें मिक्सचर डालने लगेंगे। ओवन को हमने पहले ही प्री हीट पे लगा दिया था, अब हमने केक का मोल्ड इसमें रखेंगे। हम इसको 35-40 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे केक बन के रेडी हो गया है, इसमें रवा निकाल लिया है, इसमें लेयर्स निकालूंगी। केक को मैंने लेयर्स में काट लिए, अब हम इस पर शुगर सिरप ऐड करेंगे। कॉर्नर्स पे हम जरूर डालेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट रहे कॉर्नर्स। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम दी है और अब मैं इसको बीट करूँगी अच्छे तरीके से। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट मैंने बीट किया, बड़ी ज़बरदस्त फ्लफी सी हो गई है, क्रीम बीट हो गई है। अब हम इसको केक पे लगाते हैं। यहाँ पे एक लेयर के ऊपर क्रीम लगा दी है, अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे केक की। ये हमने दूसरी लेयर लगाई है केक की, अब हम इसमें भी शुगर सिरप को ऐड करेंगे।
तीसरी लेयर डालेंगे केक की, तो दोबारा हम केक क्रीम की लेयर अप्लाई करेंगे। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, अभी इसको स्टीम कर देते हैं। और देखिए जरा अच्छा से ठंडा हो गया, मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, व्हाइट क्रीम मैंने थोड़ी सी अलग कर ली है और इसमें मैं थोड़ा सा क्रीम कलर ऐड करूँगी क्योंकि मैं केक को ऊपर से क्रीम टच देना चाहती हूँ, दो तीन ड्रॉप्स डालूंगी। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसके ऊपर ग्रीन कलर की क्रीम लगाऊंगी। ऊपर हमने लगा लिया, अब हम साइड पे लगाएंगे। केक में हमने ग्रीन कलर की क्रीम लगा दी है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि क्रीम सेट हो जाए अच्छी तरह से। केक को फ्रिज से निकाल लिया है, इसके ऊपर ये मैंने छोटा सा टॉय लगाया है। अब मैं इसे कॉर्नर्स पे पफ्स लगाऊंगी, इस तरह करके मैं सारे कॉर्नर्स पे पफ्स लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से करके ये केक तैयार कर लिया, साइड पे सारा ये पफ्स लगाई हैं। अब मैं इसमें साइड पे सौंफ डाल रही हूँ। अब मैं लिखूंगी हैप्पी बर्थडे हाफिज। केक हमारा बनके रेडी हो गया यहाँ पे, अभी उसको थोड़ी देर तक आपको कट करके दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है केक की, जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। ये आप देख सकते हैं बीच में से केक को हमने कट किए, थ्री लेयर्स का मैंने केक बनाया था बीच में से, और ये इस तरह से है, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डिलीशियस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।